इसमें वॉली नहीं लगा दी। 350 इतने ही का भर भाई, कन्याकुमारी ट्रिप में बहुत खर्चा हुआ मेरा। नमस्ते जी। वैसे आपका क्वेश्चन होगा जो कन्याकुमारी राइड के बाद, मतलब बेसिकली आपको पता भी नहीं चला राइड खत्म हुआ, उसका जो लास्ट वाला ब्लॉग है जो आपका वाइजैक से बेसिकली श्रीकाकुलम से लेके हमारे घर तक का, वो वीडियो कहाँ है। उसके साथ ना एक सीन हो गया। आप जो भी गोप्रो यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा गोप्रो में 2-3 बहुत बड़े इश्यूज हैं। जैसे पहला तो वो बहुत हैंग करता है, दूसरा उसमें कभी कभी ना फ्रेम फ्रीज हो जाता है। फ्रेम फ्रीज बेसिकली क्या है कि वीडियो चल रहा है, चलते चलते वीडियो रुक गया बट उसका साउंड आता रहता है, तो वो रिकॉर्ड करता है, बेसिकली वैसे रिकॉर्ड करता है। और तीसरा कभी कभी साउंड ही रिकॉर्ड नहीं करता। तो मेरे साथ ही साउंड ना रिकॉर्ड करने वाला चीज हुआ, और कभी कभी नहीं हुआ, उस दिन पूरे दिन गोप्रो ने साउंड ही रिकॉर्ड नहीं करा। सो मैं 4-5 दिन तक उसको ही रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा था यहाँ आने के बाद, बट वो हो नहीं पाया। मैंने देखा कि अब कोई चांस नहीं है, सो देन उस वीडियो को अपलोड नहीं करा। बट हाँ, उस दिन जब आया ना, तो ये क्लिप देखो यहाँ पे, ये जो चल रहा है, तो आया तो पापा वेट कर रहे थे, अमरेश वेट कर रहा था पहले से ही, तो वो साउंड रिकॉर्ड होता तो बहुत सारा चीज मैंने बोला था। उसके बाद जब घर पे आया तो पापा एक्चुअली रोने लगे। उस दिन पापा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, रोत का है पर रोने लगे। End of flashback. क्योंकि मैं इतने दिनों बाद, 15 दिनों बाद मैं घर पे वापस आया, वो भी सेफ तरीके से। तो पापा, as you all know, ये पापा का मैं हूँ, मेरे पापा है, तो उनका ये सैड होना बनता था। बट जो भी है बहुत अच्छा है। ऐसे मैंने गाड़ी का मैंने सर्विस करा लिया, अब 2 काम सिर्फ बचा हुआ है। एक उसका जो सैडल स्टे है ना, जो उसका पैनियर्स का जो स्टे है, वो क्रैक हो चुका है, तो उसको वेल्डिंग करवाना है, और इंजन ऑयल चेंज करना है। इंजन ऑयल अभी तक मैंने चेंज नहीं करा है, तो वो चेंज करूंगा। मेरे एक टीचर है, उनसे आपको मिलाता हूँ। स्पेशल क्या है, मेरे ओल्ड मेरे टीचर है, मतलब बचपन में उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो वो एक बहुत अच्छे सिंगर है। उनका एक बहुत कमाल का चीज होने वाला, वो देखो। बट पहले इन भाई साहब को मैं चेंज करूँ। भैया मेरे बचपन के मेरे टीचर है, ठीक है। तो ये इस मंडे को, इस सोमवार ना, इस मंडे को जो बंगाली जो चैनल है आकाश 8 बोल के, उसमें सुबह सुबह भैया का गाना आएगा। गाना सुनना, सच बता रहा हूँ, मतलब आपने अरिजीत सिंह को सुना है ना, उस लेवल का गाते हैं। एक पार्ट सुना तो सुबह 7 से 9:30 बजे जो बंगाली वाले, जो हिंदी वाले भी है वो भी सुनना, सिर्फ इनका आवाज सुनना। गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग आकाश बोल के आता आकाश 8 सैया गाऊंगा कैलाश के वाला। तो भाई जो हिंदी जो सुनते वो भी देखो, बंगाली चैनल है आकाश 8 आकाश 8 अवश्य आशा करिए अनेक जन देखे। एकदम एकदम एकदम। अभी जा रहा हूँ इंजन ऑयल लाने, अभी फटाक से अभी इंजन ऑयल लाऊँ, क्योंकि इंजन ऑयल हमारे यहाँ से मिलता है, जो मैं अभी मोटुल का जो यूज़ कर रहा हूँ, सो वो मिलता है आपका यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर। सो नो मोटर व्लॉगिंग, सिर्फ इंजन ऑयल। लो चलते हैं इंजन ऑयल चेंज करें। अभी जस्ट इसका मैंने स्टीकर इसको उखाड़ दिया, मेरे को ना बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे नोच नोच को पूरा मैंने स्टीकर निकाल दिया। सो अच्छा लगा कि ये पूरा का पूरा निकला है, मतलब ये ऑलमोस्ट 1.5 लीटर तो है, ज्यादा ये जला नहीं है। इससे इससे ये प्रूफ होता है कि ये इंजन ज्यादा ओवरहीट हुआ नहीं है पूरा काम होने के बाद, ये अच्छा न्यूज है। अब ना ये पूरा काउल को खोलना है, क्योंकि इसके नीचे एक स्ट्रेनर नट है, उसको क्लीन करना है, और ये डबल मेहनत है। एक्चुअली वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेनर नट है, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है, उसको खोल के क्लीन करना है हर इंजन ऑयल चेंज। ये लास्ट टाइम नहीं हुआ था, मैंने एक्चुअली आज तक नहीं कराया था, जिसके कारण मैंने क्लच प्लेट जला था आदि कैलाश से आते थे। इस बार सर्विस सेंटर से बोला गया कि हर बार जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करोगे तब आपको स्ट्रेनर क्लीन करना। इसका मतलब तब भैया को बार बार मेहनत करना पड़ेगा, ये पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा जो काउल है ना, ये बेस प्लेट है, पूरा खोलना पड़ेगा और स्ट्रेनर नट खुलेगा। खाटनी डबल होएगा लो। सो ये इंजन ऑयल चेंज का काम हो गया, अब सिर्फ ये बचा है, ये वाला, ये टूट चुका है ये वाला, तो इसको वेल्ड करवाना है। असल में क्या हुआ था ना, ये नट ये स्लिप हो गया था, तो इसको मैंने वेल्ड करवाया था। वो बंदे ने जैसे वेल्ड करा, तो वेल्ड के दौरान ही, मतलब जो वेल्ड हुआ था ना, उसी पे ये क्रैक हुआ है। तो थोड़ी देर में लेके जाऊंगा, अभी वैसे भी टाइम 1:30 बज रहे हैं, तो अभी लंच करूंगा, फिर उसको जाकर ठीक करूंगा। 1 hour later
बंदर गए, हाँ सारे बंदर चले गए। इन लोगों ने ना मेरे वाईफाई के तार को देखो कहाँ से गिरा दिया, ये वहाँ पे लगा हुआ था, इसको पूरा तोड़ दिया उन लोगों ने। अब इसको ठीक करना होगा। ये होता है फ्रेश इंजन ऑयल डलाने के बाद ये वाला रिफाइनमेंट आता है। वैसे इंजन ऑयल मैंने कितना 6000 किलोमीटर मैंने यूज़ कर लिया, बट मुझे वो प्रॉब्लम दिखा ही नहीं जो कि दूसरे इंजन ऑयल के साथ होता है। तो मोटुल का ये चीज़ बहुत अच्छा है कि इसमें एक्स्ट्रा हीट ऑब्जर्वेंट एडिटिव्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये जल्दी ये ब्रेक नहीं होता है। इसका जो ऑयल का जो मॉलिक्यूल्स है ना वो टूटता नहीं है। अभी तो इस इंजन ऑयल को मैं यूज़ करूँगा अराउंड 3000 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी कोई मेजर राइड नहीं है मेरा। और नेक्स्ट मंथ मैं करने वाला हूँ बनारस का करूँगा, तो उसमें तो ज़्यादा है नहीं, वो सिर्फ 700 किलोमीटर्स का है राइड, और उस बीच तो कोई लंबा राइड होने वाला नहीं है, तो इंजन ऑयल पर असल में उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं। तो इंजन ऑयल रखे रखे ना अगर गाड़ी आप रख देते हो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो ऑयल सेटल होने लगता है, और जिसके कारण आप देखोगे आप अगर रेगुलर चला रहे हो तो ऑयल आपका काफ़ी ज़्यादा लुब्रिकेटेड रहता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। बट अगर जैसे ही आप गाड़ी को 2-3 दिन रख रख के चलाते हो, जैसे वीक में 2 बार चला रहे हो 3 बार चला रहे हो, तो उस दौरान इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है। तो ये सेटलमेंट के कारण, टेम्परेचर गिरने के कारण होता है, और भी क्या है इसके अंदर जो फिजिक्स है वो मुझे नहीं पता। तो इसको मैं थोड़ा चलाने वाला तो नहीं होता, इसलिए इसको 3000 में अभी चेंज कर दूंगा नेक्स्ट। ये वाले पेड़ के पास से वो जो बस रखा हुआ है वहाँ से राइट जाना है। ओके आई होप उनका खुला हो दुकान। ये वाला ये देखिए ये टूट गया। इसको इसलिए ऑन करा गया ताकि जब वेल्डिंग होगा ना तो बैटरी डिस्चार्ज ना हो, वरना क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी टच करते बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। इसका दो तरीका है, आप गाड़ी को ऐसे ऑन कर दो या फिर एक लोहे का लोहा है लंबा सा यहाँ पे रख दो सो दैट उसको अर्थिंग मिले, सर्किट कंप्लीट हो। हाँ ये देखो ऐसे वाला। सो ये हो गया, आई होप ये क्रैक ना हो, क्योंकि यार इसे पैनियर्स झेलना पड़ता है। चले चलते अंकल आ सीधा। यार इन सब जगह पे डर पता है क्या लगता है कि कील वील निकला रहता है ना पंक्चर होने का चांसेस है। ये एक चीज़ है, सिर्फ 50 रुपये खर्च हुआ वो वेल्डिंग हुआ, और यहाँ पे एक वॉशर लगवाया मैंने, इसका क्लैंप टूट गया था। देखो तो फ्यूल लेना है, इसके पास से नहीं लूँगा, आगे वाले के पास से लूँगा फ्यूल। साढ़े 300। हाँ इतना ही का भर भाई, कन्याकुमारी ट्रिप में बहुत खर्चा हुआ मेरा। जो कन्याकुमारी ट्रिप का कॉस्ट है मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा, वीडियो नहीं तो शॉर्ट्स। आप बोलो, आप कमेंट करके बताओ डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या डेडिकेटेड शॉर्ट्स चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से करूँगा। और मेरा 100 के बस फटाक से टारगेट है 100 के हो जाए, 100 के होते ही एक बहुत लंबे वाले राइड पर निकलूँगा भाई, 15-20 दिन, मतलब मेरे को उससे ज़्यादा घर से दूर नहीं रहा जाता है। ओम नमः शिवाय। कभी कभी इस मंदिर पे आके बैठता हूँ आधा एक घंटा शाम के टाइम। महादेव का ये मंदिर है, जो शिवलिंग है वो पूरा वाइट मार्बल का है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। आए कैसा है, कैसा है, सेकंड सेकंड कैसा है, कैसा है, अरे 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 ये लो, ये देखो इन लोगों ने मेरा टाटा स्काई को मेरा टेढ़ा कर दिया। अरे यार हद, डिस्क का कबाड़ा हो गया पूरा, क्या पता सिग्नल आएगा भी कि नहीं। इस वाले के साथ भी बुरा हाल है, दोनों का सेम है, और मेरा वाईफाई का लाइन भी नीचे। साहब इधर देखो, यही लोग हैं। वैसे ये सनडाउन हो रहा है ना तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगा कि कुछ खूबसूरत खूबसूरत शॉट आ सकते हैं ये सनलाइट का। चलो
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें सारे ना मतलब मेरे कैमरे के सामान रहते, जैसे कि मेरा ड्रोन हो गया, मेरा DSLR हो गया और लैपटॉप है मेरा, मतलब कैमरे से रिलेटेड जितना सामान है ना, सब इसी वाले में रहता है। ये इसको क्या कहते हैं, कबर्ड कहते हैं, हाँ कपबोर्ड। और अभी 4 बज रहे, पापा ने कॉल करा था कि पापा के ना घुटने में थोड़ा चोट लग गया आज, क्योंकि पापा का आपका पाइपलाइन का काम है, मतलब लोहे का काम है, तो उसमें लोहे में थोड़ा उनका पैर टकरा गया, तो ये जो घुटना है ना, घुटने में उनको थोड़ा चोट लगा है, आज पापा आएंगे तो पैर का थोड़ा मालिश कर दे रहा है। वैसे एवरीडे मतलब करता हूँ, बट वो उस जगह पे ना थोड़ा और अच्छे से करते हैं। 3 hours later, इसमें देखो ये पूरा जादू है इसमें। मस्त है यार, सच बताना किस किस को देख के ये लगा खाने का मन करा। एक्चुअली मेरे मुंह में पानी है। हे बॉय, पिताजी का वीडियो गेम। हाँ पिताश्री, आज पापा का पैर में चोट लग गया। कहाँ, यहाँ ना? ठीक बा? So that's it for today guys. So अगला टारगेट है 100K फटाफट से करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पता है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और मुझे तो खैर वीडियो डालना है, तो हम दोनों मिलकर करते हैं। हम सारे जितने आप लोग जो देख रहे हैं और जो मैं बना रहा हूँ, सो 100K मेरे 6 महीने के अंदर होगा। और मैंने टारगेट भी 6 मंथ ही रखा है, अभी चल रहा है नवंबर का मिड चल रहा है, तो 6 महीना यानी होता लगभग अप्रैल और नहीं तो मई में। चलो करते हैं। सो अगर तो आपको अच्छा लगा तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर देना। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रिस्पेक्ट टू कंट्री। जय हिंद। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे को, जो मेरा इंस्टाग्राम है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 2 फॉलो। बाय बाय।